मेरा जो गुरुदेव है ना, जी जी यही जो गुरुदेव है। अच्छा, आलू लेके आया 500 रुपया बॉक्सिस दे रहा है मालिक। जो शरीर अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। जी जी ठीक है। खाने का पैसा मिलता नहीं है तो क्या करेगा गाड़ी की। अच्छा, आपका मतलब मालिक अच्छा है, मालिक का गाड़ी व्यापारी है। जी जी। और आलू स्टोर भी है, आलू स्टोर भी है। जी जी। पेट्रोल पंप भी है, पेट्रोल पंप। सरकारी नौकरी का ऐसा टाइम में पैसा नहीं मिलता है, इसका मालिक का तो ऐसा ही मालिक बनाने का। आज क्या सुबह से खाए थे आपने नाश्ता वगैरह? सुबह नाश्ता खाया मुड़ी बंगाल। अच्छा हाँ, वो तो बंगाल में हमारा फेमस घुगनी मुड़ी, उधर का घुगनी मुड़ी। एक बंगाल में कुछ हो जाए, कुछ बोल दीजिए कि बंगाल में बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ बस लेकिन आपने बनाया, आपका ओनर ने इसमें खर्चा कितना आ गया कुछ बता सकते हैं आप? हाँ बनाया हो 6 लाख रुपया मिलता है ये पूरा बॉडी बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं दोस्तों रन ऑन व्हील्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले टाटा के, ये जो ट्रक देख रहे हैं आपके सामने दोस्तों, एक शानदार बहुत ही खूबसूरत वेस्ट बंगाल का एक ट्रक है। और भाई ने आगे जो इसको मतलब कि अच्छी तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से सजा कर यहाँ पर रखा हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। ये टाटा का एक जो ब्रांडिंग लोगो है, इसको देखिए दोस्तों किस तरह से इसको अलग से डिजाइन बनाकर भाई ने यहाँ पर रखा हुआ है। और टाटा के लिखा पर दोस्तों स्टिकरिंग किया हुआ है भाई ने, और सामने से ये गार्ड बन गया। और ये हेडलाइट के ऊपर देखिए शानदार एक चीज़ बना कर रखा है, स्क्वायर का हेडलैम्प बना हुआ है दोनों तरफ, देख सकते हैं इसका हेडलैम्प। और आगे की तरफ इसका कुछ बोनेट है जो खोल कर यहाँ पर पानी वगैरह डालने के लिए, और एक गार्ड बना कर रखा है यहाँ पर, ये मिरर वगैरह जो आगे का शीशा होता है इसको साफ करने के लिए। ऊपर से अगर बात करें, गुड्स कैरियर ऑल इंडिया परमिट चलता है, और यहाँ पर बंगाली में लिखा है बाबा सिद्धेश्वर लिखा हुआ है इस पर बंगाली पर, और यहाँ पर लिखा है बाबा विश्वकर्मा लिखा हुआ है। और सामने से यहाँ पर स्पीड 40 किलोमीटर लाइव एंड लेट लाइव, यहाँ पर ऐसा कुछ मैसेज लिखा हुआ है। सामने से यहाँ पर LED कलर का एक लाइट यहाँ पर लगा दिया है भाई ने। आगे की तरफ शानदार खूबसूरत सजा का, अगर साइड से बात करें तो दोस्तों साइड से ट्रैक कुछ इस तरह से दिखता है। सामने हो गया 2 और ये 2 लिफ्टिंग का चक्का 4 और पीछे हो गया 8, यानी कि 12 चक्का का ओपन बॉडी ट्रक है। अगर उस्ताद जी हमारे अंदर बैठे हुए, उस्ताद जी से चलकर बात करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा ट्रक दिखा देता हूँ, और ये डीजल का टैंक हो गया इसका, और ये यहाँ पर इसका देखिए ये साइलेंसर आ गया, ये यहाँ से धुआं छोड़ता है इसका कुछ ऐसे दिखता है। और ये लिफ्टिंग का चक्का आ गया इसका, और साइड से भी यहाँ पर कुछ अच्छे से सजा कर यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, सिद्धेश्वर लिखा हुआ है, रोड वेज यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल इंडिया परमिट सब कुछ लिखा हुआ है, कोटा राजगांग जांकरा सिक्के टाउन पूर्व मेदिनीपुर, मतलब कि ये बंगाल में भी चलता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पट्टा बक्स इसका लिखा आ गया, और ये देखिए इसमें माल लोड हो के रहे इसलिए इसका जो चक्का है ना पूरा ये दब गया, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे का टायर यार लगा कर रखा है। अगर यहाँ पर देखिए पार्किंग का लाइट यहाँ पर लगा के रखा है, और यहाँ पर इंडिया इज ग्रेट लिखा हुआ है। पीछे से अगर बात करें इस ट्रक के पीछे से, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखता है ट्रक, आवाज़ 2 और एक अच्छा सा स्टिकरिंग यहाँ बच्चे का लगा कर रखा हुआ है, 3118C इसका ट्रक का मॉडल है शायद। भाई से चलकर बात करेंगे, सेफ ड्राइव सेव लाइफ फॉलो द ट्रैफिक रूल यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और माल इस पर देखिए पाल इस पर तिरपाल अच्छे तरह से बांध कर रखा हुआ है, और पीछे इसका रेड कलर का रेडियम इसका आ गया। और इस साइड से अगर बात करें तो इस साइड से ट्रक कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए ये होता है बंगाल का जो हमारे काली माँ होता है उनका, ये उनका फ़ोटो लगा हुआ है, और यहाँ पर इस विश्वकर्मा का फ़ोटो लगा हुआ है देख सकते हैं आप। और साइड से ये पीला कलर का रेडियम वाला पट्टी भी यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर देखिए वेलकम 2023, मतलब गाड़ी एक तरह से बहुत ही शानदार तरीके से सजा कर रखा है। और इसका ये आ गया इसका स्टेपिनी, अभी चल कर हमारे उस्ताद जी से बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ कपड़ा वगैरह बांध कर रखा है चढ़ाई करने के लिए, स्टेप देखिए किस तरह से बना कर रखा है यहाँ आराम से चढ़ने के लिए। ये टाटा का गाड़ी है, तो अभी चल कर उस्ताद जी से बात करते हैं हम। और इसका डोर इस तरह से भाई ने बना कर रखा हुआ है, चारों तरफ से इसका स्टिकरिंग किया हुआ है, अच्छा तरीके से केबिन सजा कर रखा है, अंदर भी भाई ने अच्छी तरह से केबिन इसको पूरा मॉडिफाई करके लगा कर रखा हुआ है। चलिए अब चलते हैं अंदर, चलकर उस्ताद जी से बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आकर पहुंच गए ट्रक केबिन के अंदर, हमारे उस्ताद जी हमारे सामने बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा केबिन आपको दिखा देते हैं। केबिन यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर सजा कर रखा हुआ है, और इस तरह देखिए यहाँ पर प्लास्टिक का फूल वगैरह यहाँ पर लगा रखा है भाई ने, एक घर की तरह सजा कर यहाँ पर रखा हुआ है। अभी चलकर उस्ताद जी से बात करते हैं। उस्ताद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका नाम उस्ताद जी? मेरा नाम मानतू दुलई है। तो आप कहाँ का रहने वाले आप? हम आए हैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल रहने वाले आप? कितने दिनों से गाड़ी चला रहे हैं आप? मेरा हो गया 17 साल हो गया। 17 साल से गाड़ी चला रहे हो? बाप रे, इतना लंबा टाइम से गाड़ी चला रहे हैं आप। आपका? आपका ज़्यादा हो गया। आपका भी ज़्यादा होगा। आप कितने दिन से गाड़ी चला रहे? 23 वर्ष होगा जी। 22-23 वर्ष हो गया। अच्छा, आपका भी 22-23 साल हो गया आपका गाड़ी चलाते हुए। तो ये गाड़ी लाइन में आपको आना कैसे हुआ? आपका आइडिया कैसा है कि हम गाड़ी लाइन में आएंगे?
क्या करेगा, घर पे तो बहुत दुख है ना। अच्छा तो उस टाइम मतलब कि कोई परेशानी था घर में, तो इसलिए आप गाड़ी लाइन में आ गया। तो गांव से कोई काम नहीं है, क्या करेगा। अच्छा गांव में भी उस टाइम काम का भी बहुत दिक्कत होता था। तो आप 15 साल से गाड़ी चला रहे, सबसे पहले आपने जो गाड़ी स्टार्ट किए थे कौन सा गाड़ी चलाते हैं ड्राइविंग के लिए, जो ड्राइविंग जब किया सबसे पहले। सोलो वाला गाड़ी का मेरा छोटा गाड़ी से सीखा था। अच्छा चार चक्का से पहले। जी 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 चार चक्का से छह चक्का से आते हैं। अभी तो अभी 12 चक्का की गाड़ी है वाला टाटा का, ये टाटा का अभी निकला है शायद सब। ये BS4 है क्या? BS4 गाड़ी है ये, BS3 है। अच्छा तो इसका चलाने में कैसा है गाड़ी आपका, कैसे चलाएगा तो मतलब कि कोई सुविधा है या फिर थोड़ा बहुत तकलीफ होता है क्या इसमें, गाड़ी चलाने में कैसा है? गाड़ी चलाने से कोई जरूरत नहीं है, ड्राइवर मेरा जो गुरुदेव है ना। जी जी यही जो गुरुदेव है। अच्छा ये आपका उस्ताद जी है। उस्ताद जी है। अच्छा जी जी उसका पास में हम सीखा लिया। अच्छा आप सीखे उनसे सीखे आप। हाँ। अच्छा सबसे पहले आप उनके पास रहे थे। आप रहता रहता तो आप गुरु और दोनों जो शिष्य हो वो गाड़ी चला रहे। मेरा भी गाड़ी है, एक ही कंपनी का गाड़ी है। दो गाड़ी आपका पीछे वाला गाड़ी आपका है, एक एक ही कंपनी का गाड़ी है। अच्छा अच्छा ये आपका है जो मदद करने वाले हेल्पर रहते हैं। अच्छा अच्छा इनका कितने दिनों से गाड़ी चला रहे, मतलब गाड़ी लाइन में आप आ गए कितने दिनों से? इनका भी 10 साल हो गया। इनका उम्र कितना होगा अभी? अभी तो 25-26 शायद होगा लग रहा है। बहुत छोटे से वो। अच्छा मतलब कि 15 ना, गांव में कोई काम नहीं है, क्या करेगा काम से? अच्छा अच्छा इस तरह से आप गाड़ी लाइन में आ गए। बाहर जाके तो कुछ भी ना कुछ भी काम करना पड़ेगा। जी जी गांव से ऐसा काम करना है तो बहुत आदमी कर रहा है। जी जी गाड़ी चला रहा है मेरा दादाजी है, पिताजी है, सब आपका मतलब खानदानी गाड़ी चला रहे हैं। आपका पिताजी आपका दादाजी गाड़ी चला रहे हैं। जो स्टेट है ना जी, आलू ज्यादा है। हाँ वेस्ट बंगाल में ज्यादातर आलू रहता है, आलू का टेस्ट है। जी जी इसलिए उसका गाड़ी भी ज्यादा है। गाड़ी भी ज्यादा है। अच्छा ट्रक ओपन जो बड़ी ट्रक होता है ज्यादा रहता है। अब अभी कहाँ से आए थे? उड़ीसा जो आए कहाँ से आए अभी आप? मैं आया था वेस्ट बंगाल मिदनापुर से। मिदनापुर से आए थे, क्या सामान लेकर आए थे? आलू लेकर आए। आलू लेकर आए थे। अभी क्या कोयला लोड किया? कोयला लोड किया। अच्छा यहाँ से फिर जाएंगे वेस्ट बंगाल? जाएगा वेस्ट बंगाल वर्धमान। वर्धमान जाएगा आपका, मतलब आपका वेस्ट बंगाल उड़ीसा चलता है या फिर? नहीं वही बात नहीं है, जो ऑल इंडिया से माल मिलेगा ऑल इंडिया। ऑल इंडिया चलता है, ऑल इंडिया चलता है। नेशनल परमिट का गाड़ी है, मैं नेशनल परमिट का ड्राइवर है। अच्छा अच्छा तो आपको सैलरी कितना क्या मिलता है आपको इस गाड़ी में? सैलरी अभी ज्यादा नहीं है, मेरा सैलरी अभी एक महीने का 7,000 रुपया मिलता है। 7,000 मिलता है। चक्कर का कुछ अलग खाना पीने का दे रहा है मालिक? जी जी खाने का अलग देता है। कितना क्या देता है खाने के? दो आदमी का 500 रुपया हो जाता है उसमें? नहीं होगा वो पुलिस वाला बचाएगा तो रास्ता में खर्चा जो बचाएगा ड्राइवर लोग जो करना है। जी जी एक तो लिखना होगा तो उसके 10 रुपया ज्यादा लिखना है। जी जी झूठ नहीं बोला, सच बोला। हाँ जी पता है, लेकिन 10 ज्यादा लिखना ऐसे ज्यादा है, मालिक लोग भी जानता है वो। जी जी तो मोटर मालिक से आप ले सकते हैं आप? आलू लेके आया 500 रुपया बॉक्सिस दे रहा है मालिक, बॉक्सिस सिर्फ 500 रुपए देते हैं आपको? जा रहा है और 500 रुपए एक चक्कर से 500 रुपया तो बहुत कम है। आने के जाने के टाइम में 1,000 रुपया मिलता है, तो चक्कर का आपका सिर्फ 1,000 रुपया मिलता है जाने आने का। लेकिन कहीं कहीं रहता है कि बहुत ज्यादा भी मिलता है उनको, 3-4 हजार भी मिलता है। बहुत मेरा चक्कर हो जाएगा, 7 चक्कर हो जाएगा एक महीना का 7 चक्कर आपका हो जाता है। आपका भी मतलब की दोनों का एक ही हिसाब से चलता है? नहीं वो बात नहीं है, वो आ जाएगा वो कल लोड करेगा तो उसका मर्जी है, वो लोड करेगा तो करेगा नहीं तो नहीं करेगा। ये जो आपका ट्रक मालिक है मोटर मालिक, इनके अंडर में कितना ट्रक है? ये 10 मालिक है, मालिक का बहुत ट्रक अभी पहले था जी, अभी जी, नहीं है जी। 10 चक्का 6 चक्का था तो जी जी अभी नया नया 12 चक्का का लिया है उन्होंने, पुरना गाड़ी छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अभी नया लिया है। जी जी नया उनका मतलब एक बात बताएंगे तो, जब अभी आप बंगाल से आलू लेकर आए अभी जाएंगे फिर वेस्ट बंगाल, तो कितना उनका मतलब प्रॉफिट कितना हो जाता है आपका ओनर का, कुछ अंदाजन आपको पता होगा? वो भी पता नहीं है, वो पता नहीं है, लेकिन ड्राइवर ही कर रहा है जी। आप इतने साल से ड्राइवर कर रहे हैं ना, करने का जरूरत है। जी जी लेकिन कितना अभी तो मार्केट अच्छा नहीं है ना, लेकिन अंदाजन अगर आपका कोई आइडिया होगा? आइडिया होगा 3,000 रुपया का रोज का, 3,000 रुपया आ जाएगा एक चक्कर का? एक चक्कर का ना है, रोज का 3,000 आ जाता है उनका, मतलब कि एक चक्कर 90,000 मिलता है। अच्छा महीना को उनको 90,000 प्रॉफिट हो जाता है आपका। तो आप लोग इतने लंबे समय से गाड़ी चला रहे, तो आपने कभी नहीं सोचा कि अपना भी खुद का एक छोटा मोटा गाड़ी कर लिया जाए, अपना खुद का मालिक बन लिया जाए, कुछ सोचे तो होंगे आपने ऐसा कभी? तो बहुत तो मेरे को आसान है जो बनाएगा, बहुत तो पैसा तो चाहिए ना। नहीं नहीं इतने साल से गाड़ी चला रहे, थोड़ा बहुत तो सेविंग करके भी रखे होंगे, अगर EMI में भी गाड़ी आज कल मिलता है। घर पे पापा है, जी जी मेरे माँ है, जी जी मेरा लड़का है, बीबी है, जी जी ठीक है जी। पापा का शरीर अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। जी जी ठीक है,
खाने का पैसा मिलता नहीं है तो क्या करेगा गाड़ी। अच्छा, आपका मतलब कि खर्चा हो जाता है घर को भेजने के लिए, पैसा नहीं बचता है, तो कमाने वाले भी कोई नहीं है उधर, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपका खाना पीना कैसे रहता है गाड़ी में? खाना पीना टाइम होगा तो बनाएगा, नहीं होगा तो होटल पे खाना। अच्छा, होटल पे खा लेते हैं। टाइम आपको मतलब गाड़ी में बनाने का, कोई चलते गाड़ी में कोई बनाने का? चलते नहीं है, गाड़ी खड़ा होने के बाद बनाएगा। अच्छा, गाड़ी जैसे कि आंध्रा वाला हमारा बनाते हैं, चलते गाड़ी में उनका खाना चलते नहीं है, होगा नहीं, ऐसा होता नहीं। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वो लोग गाड़ी में, गाड़ी चलता रहता है लेकिन खाना बनता है, वो तो बहुत दिक्कत होगा ना। नहीं, उनको तो पता नहीं क्या होता है, लीकेज हो जाएगा तो क्या करेगा। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन उनका हैबिट हो गया शायद, चलता रहता है उनका। जैसे कि ये आपका आपका हेल्पर है, आपका ये इस गाड़ी का हेल्पर नहीं है? है, उसका गाड़ी में है, ये गाड़ी का ही है। तो आप गाड़ी चलाना तो सीख गए होंगे आप भी, तो लाइसेंस वगैरह सब कुछ इनका हो गया? अच्छा, होगा, हो गया जी जी, लर्निंग हो गया है, लर्निंग हो गया, अभी हैवी लाइसेंस निकलेगा उनका, तो फिर ये भी अपने गाड़ी पकड़ लीजिएगा अपना क्या। इनको कितना सैलरी मिलता है? इनको मोटर मालिक देता है, मोटर मालिक 6,000 दे रहा है, तो आप लोग देते हैं कि मिलाकर 3,000 देता है? 3,000 तो इनका खाने पीने का उसमें मिलता है। तो मालिक 5,500 रुपया दे रहा है जी जी, रोज का जी जी, दोनों का। अच्छा, तो आप 14 साल से गाड़ी चला रहे हैं, तो 14 साल में आपने पूरा हमारे देश के जो कितने कितने स्टेट में आपने जाना आना आपका हो गया है? मेरा हो गया आंध्रा गए आप? आंध्रा गया, बिहार गया। अच्छा अच्छा, छत्तीसगढ़, ये सब रूट में आप चले हैं। ज्यादातर आपने क्या क्या गाड़ी चलाया, जैसे कि ओपन बॉडी चलाया है, कोई और गाड़ी? नहीं, हम लोग का बॉडी चला, हम लोग का स्टेट में यही गाड़ी रहता है। टाटा का, अशोक लेलैंड का क्या गाड़ी आपने चलाया? अशोक लेलैंड भी है चलाया आपने? चलाया, टाटा अशोक लेलैंड चलता है। ये जो मालिक आप चला रहे, कितने सालों से चला रहे इसको? ये मालिक का हो गया वो 50 साल। 50 साल? नहीं पता, आप तो 14 साल बोले अभी गाड़ी चला रहे। तो इसका अंदर में कितने दिनों से गाड़ी चला रहे अभी? ये मालिक से काम करता है 20 बच्चर। 20 बच्चर से आप काम कर रहे हैं, तो कैसे मालिक है, मतलब कि सैलरी वगैरह? अच्छा, मालिक अच्छा है, मालिक का गाड़ी व्यापारी है जी जी, और आलू स्टोर भी है, आलू स्टोर भी है जी जी, पेट्रोल पंप भी है, पेट्रोल पंप भी है। अच्छा, तो बहुत बड़ा मालिक है, तो पैसा पत्र देने में कोई दिक्कत नहीं करता है? मालिक अच्छा है, पैसा वगैरह हर टाइम में टाइम टू मिल जाता है? सरकारी नौकरी का ऐसा टाइम में पैसा नहीं मिलता है इसका मालिक को। हाँ, तो ऐसा ही मालिक चाहिए, ऐसे ही मोटर मालिक रहेगा तो ड्राइवर भी खुश रहेंगे। एक लाख रुपया लगी है जी जी, काला जो सुबह। अच्छा सुबह जो पैसा पर्ची रेडी है? अच्छा, पर्ची रेडी है आपका। तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, पसीना वसीना सब कुछ आ रहा है, इसमें आप लोगों को क्या क्या? हम लोग का वो मालिक का पास रहता है जी जी, इसमें पसीना वगैरह गर्मी के लिए वो फैन आपने लगाया हुआ है जैसे देख सकते हैं, उसमें बहुत डेंजर है, कहीं हाथ वगैरह चला जाएगा तो कट जाएगा। सुबह से खोल दिया, खोल दिया आपने? उसका ढक्कन था, टेढ़ा हो गया, सीधा टेढ़ा और सीधा साधा हो गया, उसका खोल दिया, लगाएगा पानी के लिए जाएगा। अच्छा, लगाएंगे आप, ठीक है। ये गाड़ी माइलेज कितना निकाल के देता है? ये वाला चार देता है माइलेज, जैसे चलेगा तो चार देता है। इसमें फीचर्स क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कोई चढ़ाई करने के लिए कोई बटन वगैरह ऐसा एक्स्ट्रा देता है? वो तो ये तो इसमें नहीं है, है ना, अभी 4 में 6 में आ गया है, ऐसा सिस्टम आ गया है। तो आप इतने दिनों से गाड़ी चला रहे, क्या क्या गाड़ी आपने चलाया हुआ उस्ताद जी? आप सब बात करें तो आपसे अशोक लेलैंड, अभी टाटा का चला रहे, और कोई गाड़ी चलाया हुआ आपने? सब चलाता है, महिंद्रा चलाता है। महिंद्रा जी जी, कैसा है, कौन सा गाड़ी आपके हिसाब से अच्छा है? अच्छा है टाटा, टाटा गाड़ी अच्छा है। किस वजह से अच्छा है, थोड़ा अगर बता देंगे तो अच्छा रहता है। टाटा गाड़ी अच्छा नहीं, किस कारण से अच्छा है? एक कारण बता दीजिए, एक चौड़ाई मिल जाएगा। अच्छा, लेलैंड गाड़ी डाउन उठ जाएगी, गियर मारेगा वो उठ नहीं पाएगा, अरे ये गाड़ी चलता है, ये पूरा चलता है पूरा। अच्छा, इसीलिए मतलब कि टाटा गाड़ी, और इसका हमने सुना कि इसका पार्ट्स हर जगह मिल जाता है, पार्ट्स सब जगह हर जगह मिल जाता है, हाँ मिलेगा नहीं उसका? अच्छा, ये बात सही, टाटा कंपनी तो बहुत ज्यादा है ना। हाँ, टाटा देश का ट्रक है, पहला पुराना बहुत ट्रक है। लेकिन और अगर बात करें आपसे, तो अगर मालिक का भी रहता है ये जो टाटा गाड़ी जी जी रहता है, कहे कि वो जो टाटा गाड़ी का पास सब जगह से मिल जाएगा जी, इसीलिए मालिक भी रखा है। अच्छा, मालिक आपका, मालिक का ज्यादातर क्या गाड़ी है? ये टाटा है, सब गाड़ी टाटा है, 10-12 सब टाटा है, सब टाटा। तो BS4 BS6 आपने अभी तक नहीं चलाया हुआ है? चलाया है ना, मेरा मालिक का है BS6 BS4। हाँ, चलाया हुआ आपने, तो कैसा लगा आपको चलाने में उसका एक्सपीरियंस? बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है आपको? 14 तक गाड़ी मिल, 12 इंची से गाड़ी। अच्छा अच्छा, जो 14 तक है जी जी, अभी जो स्टेयरिंग भी उसका आगे आ जाता है, एक BS6 का सिग्ना का गाड़ी निकला हुआ है टाटा का, उसका स्टेयरिंग अगर आपके पास अगर लाना चाहेंगे उस सामने भी आ जाएगा। नहीं, वही जो सीट है ना, सीट आगे बढ़ा, सीट नहीं होता है उसका, स्टेयरिंग होता है, जो स्टेयरिंग है ना वो आगे चलाएगा, सिग्ना का BS6 का गाड़ी है।
ऐसा आएगा। और ये जो बोर्ड है ना जी, केबिन बोर्ड है ना, इसका और थोड़ा आएगा इधर जी जी। मेरा जो जैसे लगता है जो आगे बढ़ाना है तो सीट बढ़ा जाएगा जी, पीछे लेगा तो सीट पीछे देगा जी जी। तो यहाँ पर आपका सोना पीना यहाँ पर सब कुछ आपका रहता है? दो आदमी का जगह हो जाता है इसमें? लगता तो नहीं होना है, यहाँ पर एक आदमी सो जाता होगा, यहाँ पर एक आदमी जो जाएगा है इसे क्यों यहाँ तो मिलेगा क्या? अच्छा अच्छा, ये आपका हंडी वगैरह डेक्ची वगैरह है खाना बनाने का? आज क्या सुबह से खाए थे आपने नाश्ता वगैरह? नाश्ता खाया मुड़ी। अच्छा हाँ, वो तो बंगाल में हमारा फेमस है मुड़ी। अच्छा, और जो दोपहर को क्या खाए थे? जो बनाया मछली, मछली बंगाल में मछली चावल और फेमस है मुड़ी। चिकन बंगाली ऐसा खाओ, घुगनी मुड़ी, उधर का घुगनी मुड़ी। एक बंगाली में कुछ हो जाए कुछ बोल दीजिए, कि बंगाली में बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करो हाँ बस। और झाल मुड़ी, जो झाल मुड़ी, घुगनी मुड़ी, चॉप मुड़ी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, मजा आ गया। यहाँ पर देखिए भाई का ये सब कुछ सजा कर रखा हुआ है। ये जो केबिन आपने बनाया आपका ओनर ने, इसमें खर्चा कितना आ गया कुछ बता सकते हैं आप? बनाया वो 6 लाख रुपया मिलता है ये पूरा बॉडी बनाने के लिए, पूरा बॉडी के लिए पूरा, ये आगे से पीछे लेके बॉडी 6 लाख। अच्छा 6 लाख। इसका जो टाटा का सिर्फ चेचिस आता है, इसका बॉडी आपको बनाना पड़ता है मोटर मालिक को। अच्छा मोटर मालिक ऐसा मतलब कि 6 लाख में सब कुछ हो जाता है आपका? कहीं कहीं ज़्यादा भी लेते होंगे, स्टेट बाई स्टेट अलग अलग रहता है शायद, वो सभी होता होगा। तो गाड़ी आपका ओवरऑल सब कुछ सही है, मस्त लगा आपका गाड़ी भी, और आप लोगों से भी बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से अपना कीमती वक्त दिया। उस्ताद जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ उस्ताद जी, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। उनका लाइफस्टाइल के बारे में दोस्तों आप लोगों ने सुना। अगर आपको दोस्तों इनका लाइफस्टाइल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।